नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज मैं बात करूंगा फार्मा सेक्टर के बारे में। जैसा कि हम पीछे कुछ दिनों से देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर में जो है कंटिन्यू हमको जो है एक तेजी देखने को मिल रही है। तो कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर, मतलब ऐसा क्या है कि फार्मा सेक्टर मतलब काफ़ी इन दिनों अच्छा कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है इस टॉपिक पर ही एक वीडियो बना दी जाए। तो मैं आप लोगों के लिए जो है आज निफ्टी फार्मा के बारे में पूरी एनालिसिस करके बताऊंगा, और निफ्टी फार्मा में जो भी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसके बारे में जो है मैं आपको पूरी एनालिसिस करके बताऊंगा। तो देखिए, फार्मा सेक्टर जो है इस टाइम जो है अच्छी तेजी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यू टू कोविड-19 जो है, जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, उसके चलते एक समझ लीजिए एक महामारी ये फैली हुई है। और इवन मतलब इन सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि मतलब पूरा वर्ल्ड जो है इस वायरस से जो है परेशान हो चुका है। यहाँ तक कि मतलब जो सुपर पावर्स जो कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका, इटली, फ्रांस, मतलब दे ऑल आर सफरिंग, सब लोग मतलब इससे परेशान हैं। और आप देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह में मतलब डेली जो है इतने जो है मतलब डेथ्स वगैरह हो रही हैं। तो मतलब देखिए, इस फार्मा सेक्टर में ये जो चीज़ है, ये फार्मा सेक्टर जो है इन्हीं चीज़ों से जो है जुड़ी हुई है। अब देखिए, फार्मा सेक्टर में क्या होता है, फार्मा सेक्टर में जो ये जो फार्मा कंपनीज जो होती हैं, ये मेडिसिन्स वगैरह बनाने का काम करती हैं। तो नेचुरली है कि मतलब जब भी किसी को कोई डिसीज होती है तो उसको जो है मेडिसिन की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, फार्मा सेक्टर में जो तेजी का जो कारण हम देख रहे हैं वो यही है कि मतलब जो है इनकी डिमांड बढ़ी है, दवाइयों की जो है डिमांड बढ़ी है। जब कभी भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो वो जो है तेजी दिखाता है, ठीक है। तो सेम चीज मतलब जो है फार्मा कंपनी के साथ हो रही है। जैसा कि हम बात कर सकते हैं, लाइक कैडिला ने पीछे जो है मतलब दावा किया था कि हम जो है कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है मतलब हम जो है इसको ढूंढ लेंगे, कोरोना की वैक्सीन जो है हम ढूंढ लेंगे। तो जैसा आपने देखा कैडिला में जो है मतलब एकदम से स्पाइक आया और मतलब शेयर कहां से कहां जा पहुंचा। तो सेम लाइक मतलब सब में जो है लाइक डॉक्टर रेड्डी, और फार्मा, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, पेल, सन फार्मा, लाइक मतलब सभी में जो है इस समय जो है तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, अभी इसका कोई पक्का जो सोल्यूशन नहीं मिल पाया है कि मतलब ये कब तक चलेगा, कब तक खत्म होगा। जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है मतलब अभी जो है इसको इंक्रीज कर दिया है लॉकडाउन को, मतलब इसको जो है मेरे ख्याल से ये 30 अप्रैल तक मतलब नियर अबाउट ऑल स्टेट्स ने जो है मतलब डिक्लेयर कर दिया है। तो मतलब इसीलिए जो है मतलब इन दवाइयों की जो है डिमांड बढ़ रही है। जैसा कि आपने पीछे देखा होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की जो है मतलब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी अमेरिका और इंडिया में, इसके चलते कुछ इश्यू भी हो गए थे बट जो है वो क्लियर हो गए हैं। तो चलिए जो है हम इसके बारे में आज जो है बात शुरू करते हैं। तो मैं डे चार्ट में जो है एनालिसिस करके बताऊंगा, बहुत दूर नहीं जाना है। तो ये देखिए, जो यहाँ पर जो आप निफ्टी फार्मा का जो मैंने ओपन कर रखा है, निफ्टी फार्मा का चार्ट है, और इसके लिए जो रेजिस्टेंस था वो नियर अबाउट 8300 के नियर अबाउट जो है रेजिस्टेंस था। तो फाइनली देखिए, इसने जो लो लगाया था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6200 रुपीज तक जो है, मतलब मैं इसकी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी फार्मा की, नॉट एनी शेयर। तो निफ्टी फार्मा जो इंडेक्स है इसने 6200 रुपीज का जो है लो लगा दिया था, और 6200 का लो लगाने के बाद जो है इसने नियर अबाउट जो है मतलब 7 to 10 days के अंदर ही जो है इसने 9000 का जो है हाई भी लगा दिया। मीन्स आप कह सकते हैं 28 पॉइंट्स की जो है रिकवरी कर ली इसने, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसके लिए एक तो यहां पर इसका ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, मैं आपको ड्रॉ करके यहां पर बताता हूं, ठीक है ना, क्योंकि शेयर यहां पर आता था और जो है इसके बाद जो है यहां से रेजिस्टेंस फेस करके जो है नीचे की तरफ मूव कर जाता था। फाइनली इसने जो है इसको ब्रेक किया, 7500 का ये लेवल था, 7500 लेवल का ब्रेक करने के बाद इसका जो है 83 और 8300 और 8350 पर जो है एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस था। तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो चुका है। अभी हमारे पास जो है आने वाला जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारे पास नियर अबाउट 9300 to 9400 है। और जो है मतलब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी हुई है, बट जो है मतलब इसमें अभी कुछ दिनों तक तेजी बनी रहेगी फार्मा सेक्टर में। सो इस सेक्टर पर अगर आप बाइंग के पर्पज से यहाँ पर मार्केट में आ रहे हैं तो आप इस सेक्टर पर फोकस कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसमें जो है इस इंडेक्स में जो भी शेयर जो है ट्रेड करते हैं उसके बारे में जो है एनालिसिस करते हैं आज। तो ये देखिए, मैंने अभी यहां पर खोल रखा है आरो फार्मा का चार्ट। तो आरो फार्मा भी जैसे औरोबिंदो फार्मा इसको हम बोलते हैं, तो इसने जो है लो लगाया था नियर अबाउट 300 के नीचे ये आ चुका था। औरोबिंदो फार्मा बहुत अच्छी कंपनी है,
मार्केट में स्पाइक इस तरह से चल रहा है, मतलब इस तरह के इश्यू चल रहा है, तो मतलब आप FMCG कंपनियां तक, जो मतलब डेली यूज की कंपनियां, वो तो काफी जो है ज्यादा नीचे नहीं आई थी, बट वो भी जो है इसके लपेटे में आ गई थी। बट मतलब सारी FMCG कंपनियों ने जो है रिकवर कर लिया है। अभी यहां पर देखिए, इसके लिए जो यहां पर जो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, इसका लेवल ब्रेक करने के बाद जो है ये जो लेवल था ये 500 का लेवल था। तो फाइनली जब इसने 500 का जो लेवल ब्रेक किया, 500 का लेवल ब्रेक करने के बाद इसने जो है बिलो 300 का जो है लो लगाया। तो अभी देखिए, अभी हमको आने वाले टाइम में क्या करना है। अगर कल की बात अगर हम करें, अगर इंट्रा डे की ही बात करें, तो चलिए मैं यहां पर चार्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूं और आपको बड़ा करके थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये ट्रेंड लाइन का हमारा काम खत्म हो चुका है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। और यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस जो है आपको यहां पर दिख रहा है नियर अबाउट 475 और 480 के लेवल पर। तो अगर 480 का लेवल जो है कल इंट्राडे में ये क्रॉस करता है, कुछ टाइम तक सस्टेन हो जाता है, तो इसमें जो है मतलब हम 500 और 520 का लेवल जल्दी देखेंगे। और प्लस में इसमें अगर पोजिशनल की बात करूं, तो इसको जो है लेट इट क्लोज अबव 500, देन वी विल एग्जीक्यूट आवर ट्रेड्स। मतलब इसको 500 रुपीज के ऊपर क्लोज हो लेने दीजिए, उसके बाद जो है हमारा जो इसमें टारगेट निकल कर आएगा वो रहेगा 550 एंड 600 रुपीज का। तो देखिए, अच्छी कंपनी का शेयर है, मतलब चाहे तो आप मतलब इसमें इंट्राडे कर सकते हैं, बट मैंने जो आपको लेवल बताया है उस लेवल पर जरूर फोकस किया करिए, ठीक है ना। सस्टेन होने दीजिए, सस्टेन होने के बाद हमने जो भी करना है सस्टेन होने के बाद करना है। और यहां पर ये देखिए बायोकॉन, बायोकॉन भी जो है कंटिन्यू, मतलब काफी इसने एक लो लगा दिया था 235, और इससे पहले भी जो है एक लो लग चुका था नियर अबाउट 210 रुपीज का। तो अभी हमारे पास यहां पर जो, इसको मैं वीकली चार्ट कर लेता हूं, ये जो है काफी साइडवेज टाइप में रहा है। तो अभी ये देखिए, अभी नियर अबाउट ये अपने जो है लाइफ टाइम हाई के नियर अबाउट है, मतलब लाइफ टाइम हाई पे नहीं है, नियर अबाउट है। तो यहां पर जैसा आप देख सकते हैं, इसका जो लाइफ टाइम जो हाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है 359 का, मतलब 359 रुपए का। और अभी यहां पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है हमारे लिए, फाइनली जो है ये रेजिस्टेंस है, यहां पर देखिए जहां पर इस टाइम स्टॉक ने जो है इसका हाई लगाया था, तो ये जो है 350 के नियर अबाउट जो है बायोकॉन का जो है रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, देन लेट इट क्लोज अबव 350, और जो है इसको 350 के ऊपर क्लोज होने दीजिए। जब क्लोज होने के बाद जो है मतलब सस्टेन करता है कुछ टाइम तक, तब आप इसमें जो है पैटर्न और जो है कैंडल स्टिक के आधार पर जो है इसमें अपनी पोजिशन बना सकते हैं। देखिए, किसी भी ट्रेड को करने के लिए आपको मल्टी कंफर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप विदाउट मल्टी कंफर्मेशन ट्रेड करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो है यू हैव टू क्लोज योर सिस्टम इन रेड, आपको जो है आपका टर्मिनल जो है रेड में ही क्लोज करना पड़ेगा। बट अगर आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। मल्टी कंफर्मेशन पर काम करिए, मल्टी कंफर्मेशन से जो है आप यहां से डेली अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो बायोकॉन के लिए जो है 350 और 360 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, 360 के ऊपर अगर आप निकलता है, तो इसमें आप ऑब्वियसली मतलब जो है आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि नियर अबाउट ये अपने लाइफ टाइम हाई के नियर अबाउट ही जो है ट्रेड कर रहा है। तो 350 और 360 के जो लेवल है, 350 और 360 के ऊपर आप इसमें जो है ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है कैडिला। तो देखिए, कैडिला में जैसा आपने न्यूज में देखा होगा कि कैडिला ने जो है एक वैक्सीन पे ये काम कर रहे हैं, COVID-19 की वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, और इसी के चलते जो है देखिए यहाँ पर 200 रुपीज का लेवल टच करने के बाद जो है इसने कुछ ही दिनों में, आप कह सकते हैं 2 से 3 दिनों के अंदर जो है स्टॉक जो है ये डबल के नियर अबाउट पहुंच चुका है, मतलब 375 रुपीज का इसने हाई लगाया 200 रुपीज से। तो मतलब ये जो एक न्यूज का इम्पैक्ट था, सो मतलब मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट इस पर दिखाया है। तो देखिए, कैडिला मतलब एक अच्छी कंपनी का शेयर भी है, और यहां पर देखिए अगर हम टेक्निकल फॉलो करते हैं, तो यहां पर जैसा आप देख सकते हैं जो मैंने ये व्हाइट कलर का ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये देखिए एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी डबल बॉटम पैटर्न आपको दिखे, तो आपको क्या देखना है, आपको RSI देखना है। और आप यहां पर RSI देख सकते हैं, RSI ने भी जो है बुलिश डाइवर्जेंस यहां पर दिखाया है। तो ऑब्वियसली जो है मतलब जब भी यहां पर सपोर्ट पर जो कुछ टाइम खत्म करने के बाद जब भी ऊपर की तरफ निकलेगा, तो एक अच्छी मूवमेंट ही देकर जाएगा। सेकेंडली जो है, अगर इसमें हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखें, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही है। तो इसने जो है, कैडिला ने जो है इस वीकली चार्ट में ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया है। अभी इसके लिए जो है ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस तरह से बता देता हूं, तो आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी। देखिए, 350 का जो लेवल है वो कैडिला के लिए जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो मतलब लास्ट सेशन में जो ट्रेडिंग सेशन था, उस सेशन में जो है कैडिला ने जो 350 के ऊपर गया तो था, बट मतलब जो है सस्टेन नहीं हो पाया था, और फाइनली जो है इसकी क्लोजिंग जो है वो 351 के आसपास जो है हुई है।
तो देखिए 350 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, तो इसमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अभी आपको इसमें, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 350 के ऊपर आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं। और अगर आपने इस पोजीशन इसमें बनानी है तो इसको जो है ना, अभी ये देखिए जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है इसको मैं तो कहता हूँ रीटेस्ट हो लेने दीजिए। जब ये रीटेस्ट होने के बाद फिर जो ऊपर की तरफ निकलता है तब आप इसमें जो है ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सिप्ला, तो सिप्ला में जो है मतलब जो लास्ट का जो हमने ट्रेडिंग सेशन जो देखा था उसमें काफी अच्छा एक गैप अप ओपनिंग देखी थी। और सिप्ला में अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4 डेज से जो है कंटिन्यू जो है एक काफी अच्छी मोमेंट मतलब अपसाइड की देखने को मिल रही है। तो यहां पर आप देखिए सिप्ला ने जो लो लगाया था और नियर अबाउट 350 के नियर अबाउट लगाया था, और ये 350 लगाने के बाद ये देखिए स्टॉक जो है 600+ का जो है इसने हाई लगाया ओनली फॉर 3 to 4 डेज में। 4 डेज के अंदर जो है ये काफी अच्छी मूवमेंट दे गया है। मैं आपको बता देता हूँ 4 डेज में इसकी क्या मूवमेंट रही है। 400 to 600 मीन्स 50% की मूवमेंट जो है सिप्ला ने 2 दिनों में दिखाई है। तो आइए देखते हैं इसमें जो है नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट लेवल इसका ये एक निकल के आ रहा है नियर अबाउट ये 580 का। हाँ 580 के नियर अबाउट जो है इसका ये एक लेवल है। नेक्स्ट जो है इसमें जो इसका अगला रेजिस्टेंस जो ये फेस कर सकता है वो दैट इज 620, वो 620 रुपए का लेवल है। तो देखिए अभी इसमें जैसा मैं आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ एंड यू कैन से द वीकली कैंडल इज वेरी बुलिश। ओके मतलब यहां पर जो है काफी अच्छी मूवमेंट हो चुकी है। तो अभी इसमें जो है अभी बाइंग करने से आप इसमें थोड़ा बचिए। शिप्ला में जो है ट्रैप हो सकते हैं, शिप्ला में भी बाइंग करने से बचिए, क्योंकि देखिए यहां पर जो है एग्जैक्टली ये जो है अपने रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग हुआ है। अभी ये कुछ टाइम तक यहां पर इस तरह से सस्टेन होगा, 4-5 दिन यहां पर सस्टेन होने के बाद जब इसका हाई ब्रेक करता है तब आप इसमें जो है शिप्ला में जो है ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिवीस लैब। तो देखिए डिवीस लैब ने ये देखिए एक चैनल में जो है, मैं ये वीकली चार्ट में आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इसको डेली चार्ट में करूंगा तो मतलब कैंडल आपको काफी छोटी दिखाई देंगी, बट चलिए मैं आपको यहाँ पर डेली कैंडल में भी दिखा ही देता हूँ। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं जो डिवीस लैब जो है यहाँ पर देखिए कब से इसका जो है चैनल शुरू हुआ था, ये 2017 से जो है इसने चैनल को बनाना शुरू कर दिया था, और ये 2017 से लेकर 2020 तक जो है ये कंटिन्यू इस चैनल के अंदर ही ट्रेड करता रहा। ये देखिए अपर चैनल को टेस्ट करने जाता है, अपर चैनल यहाँ पर जो है सेलर हावी हो जाते हैं, और यहाँ पर फिर जो है ये लोअर चैनल पे आके जो है यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर अपर चैनल, फिर लोअर चैनल, फिर अपर चैनल, फिर लोअर चैनल, और फाइनली जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको वीकली करके दिखा देता हूँ जो है पिक्चर अच्छे से क्लियर होगी। तो ये देखिए यहाँ पर फाइनली जो है इसने ब्रेकआउट दे दिया है। हाँ देखिए अब इसमें देखने वाली बात यह है डिवीस लैब में कि जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि डिवीस लैब ने जो है ब्रेकआउट तो मतलब जो है इसको क्रॉस भी करके आया है, और मतलब नियर अबाउट 2,300 रुपीज का जो है इसका अपर लेवल का रेजिस्टेंस है, और ये जो हाई लगा कर आया है ये 2,470 के नियर अबाउट ये हाई लगा कर आया है। तो अभी देखिए अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इसको लेट इट क्लोज अबोव 2,300 और 2,350, ठीक है, आप इसको 2,300 और 2,350 के ऊपर, मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है ये जो चैनल का जो अपर चैनल आप देख रहे हैं 1 डे के कैंडल को इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए। ये देखिए जैसे ये मैं आपको 1 डे का चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी ये 1 डे के चार्ट में जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शूटिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है, और अभी जो है अगर देखिए इसकी 1 डे की कैंडल की क्लोजिंग इस चैनल के अप साइड होती तब तो हम मतलब इसमें जो है क्लियर कट बाई साइड में जाते, बट अभी जो है यहां पर जो है एक आप जैसा कि आपने देखा ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाई हुई है, शूटिंग स्टार कैंडल के बाद जो है ये नीचे की तरफ यहां पर आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए इस लेवल तक, मीन्स 2000 और 2100 के लेवल पर ये आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए। हाँ अभी इसकी जो क्लोजिंग आई है 2310 पर आई है, अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है 2300 एंड 2310 के ऊपर निकलता है तो आप इसमें जो है इंट्राडे का ट्रेड बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैटर्न एंड अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड अकॉर्डिंग टू मल्टी कन्फर्मेशंस। यू नेवर गो विद ओनली वन कन्फर्मेशन, गो ऑलवेज विद मल्टी कन्फर्मेशंस, दिस विल बी ऑलवेज यूजफुल फॉर यू। और ये देखिए डॉक्टर रेड्डी की बात करूंगा, डॉक्टर रेड्डी में आप जैसा देख रहे हैं कुछ दिनों से पीछे एक काफी अच्छा मूव अप मूव चल रहा है, और फाइनली हमने भी जो है
मैंने और मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं, मैंने ये ट्रेड जो है 2-3 दिन से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसमें आप बिलीव करिए हमने एक बहुत ही अच्छा मतलब प्रॉफिट इसमें से निकाला है, डॉक्टर रेडी में से, इंट्राडे में से। बिकॉज देखिए मैं इंट्राडे ट्रेडिंग को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, आई लव इंट्राडे, मैं इंट्राडे जो है मेरे को सूट करता है और मैं सेटिस्फाइड भी इंट्राडे से होता हूँ। तो देखिए मैं ऐसा नहीं कि मैं पोजिशनल नहीं करता या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैं सारे करता हूँ, बट मतलब एक होता है ना कि मतलब इंट्राडे नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए, नहीं भाई मैं तो डेली इंट्राडे करता हूँ, आई लव इंट्राडे, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पर आप क्या है, आप एक छोटी सी अमाउंट से जो है उसको आप डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, या आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर निर्भर करता है, या आपके चार्ट के सेटअप के ऊपर निर्भर करता है, या आपकी नॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। ओके, दिस डिपेंड्स ऑन दैट व्हाट योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज यू हैव नॉलेज, आपके पास क्या नॉलेज है, ठीक है ना, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सो मतलब इंट्राडे अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तब करिए, अदरवाइज जो है पहले सीखिए, लर्न करिए। अभी यहां पर जैसा मैंने पीछे आपको डिवी स्लैब में दिखाया कि उसकी क्लोजिंग जो है ट्रेंड अपर चैनल के ऊपर नहीं आई थी, ठीक है, बट यहां पर जैसा आप देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग जो है इसके ऊपर आ चुकी है, अपर जो इसका चैनल है इसके ऊपर जो है क्लोजिंग आ चुकी है, मैं वीकली चार्ट में भी आपको दिखा रहा हूं। अभी इसके लिए जो मेन रेजिस्टेंस जो वर्क कर सकता है वो इसका पहला रेजिस्टेंस मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखिएगा, ये देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है 3,700 रुपीज का है। तो अगर आप इसमें अगर इफ यू वांट टू मेक पोजिशन इन इट, देन लेट इट क्लोज अबाउट 3,700 रुपीज, इसको 3,700 रुपीज के ऊपर क्लोज होने दीजिए, उसके बाद भी पोजिशन बनाइए। बट अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में यू कैन मेक योर पोजिशंस अकॉर्डिंग चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स और मल्टी कन्फर्मेशंस। तो मतलब आप जो है सोच समझ के ट्रेड करिए, देखिए क्योंकि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 3,800 रुपीज का है, 3,810, 3,810 और 3,810 रुपए के नियर अबाउट इसका अगला रेजिस्टेंस है। तो सो प्री कॉशियस, तो मतलब ध्यान से इसमें ट्रेड करिएगा। बाकी इसमें तेजी तो पूरी बनी हुई है, अगर मैं इसमें वॉल्यूम का भी ऐड करता हूं तो आप नीचे से वॉल्यूम देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वॉल्यूम जो है 3-4 दिन से कंटिन्यू जो है इसमें चल रही है। देखिए यहां पर जो एक काफी अच्छी लार्ज पे मेरे को वॉल्यूम आई थी, उसके बाद से जो है मतलब इस वॉल्यूम के बाद देखिए ये अपर चैनल की तरफ जो है टेस्ट कर रहा था, उसके बाद फाइनली इसने नीचे से सपोर्ट लेकर, जो इसका सपोर्ट था 2,500 रुपीज पर, यहां सपोर्ट लेने के बाद सीधा जो है अप मूव की तरफ निकला है। हाँ, अभी इसका जो देखिए आप देख सकते हैं जो इसका हाई जो लगा हुआ है वो 3,218 का लगा हुआ है, तो 3,218 के ऊपर जो है अगर ये सस्टेन, इंट्राडे में भी अगर आपको 3,218 के ऊपर सस्टेन होता हुआ मिलता है तो आप इसमें जो है मतलब आराम से जो है 100 पॉइंट का, मतलब इसमें जो है 100 पॉइंट का टारगेट रखकर जो है इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लेनमार्क, तो आइए देखिए ग्लेनमार्क में क्या हो रहा है। देखिए ग्लेनमार्क में वो तेजी नहीं आ रही है जैसा मतलब हमने और सभी स्टॉक्स में देखा, जैसे हमने ऑरो फार्मो में देखा, बायोकॉन में देखा, और सिप्ला में देखा, कैडला में देखा, सब में देखा, बट इसमें जो है वो तेजी अपने को देखने को नहीं मिल रही है। बट अभी मैं हम इसका जो है पैटर्न के एनालिसिस करेंगे कि अभी इसमें क्या होने वाला है। देखिए अभी मैं इसका जो है यहां से आपको बता देता हूं सिंपल सी एनालिसिस करके, ये देखिए मैं इसको 1 डे का चार्ट करता हूं, फिर जो है मतलब चीजें आपको और अच्छे समझ में आएंगी। 1 मिनट, तो ये ग्लेनमार्क, ठीक है, यहां पर देखिए यहां पर इसने जो है एक जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये 180 और 186 मतलब सेम लेवल के ऊपर जब भी ये सस्टेन होता हुआ आ रहा है, और नीचे से अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक जो है बुलिश जो है डाइवर्जेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो फाइनली जो है देखिए इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट कर दिया है, और जो है ऊपर इसको एक अभी एक रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है 250 के नियर अबाउट। तो अभी इसका वेट करिए, 250 के ऊपर जब निकलता है तब इसमें जो है आप इंट्राडे की ट्रेडिंग करिए। बट मैं इसमें अभी आपको पोजिशनल ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, इसमें पोजिशन ट्रेड अभी बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि देखिए इसके कुछ फंडामेंटल में भी कुछ इश्यू है। बट आप ही जो है मतलब इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, इसको अभी छोड़िए। हाँ, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो 250 के ऊपर अगर ये निकल कर सस्टेन होने लग जाता है तब आप इसमें जो है इंट्राडे ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ल्यूपिन, तो ल्यूपिन भी जो है काफी दिनों के बाद जो है इसमें अब तेजी देखने को मिल रही है। जैसा देखिए मैंने आपको पीछे भी स्टॉक में बताया कि मतलब चैनल में जो काम कर रहे थे ये भी सेम जो है चैनल में ही काम कर रहा था, और चैनल में जो मतलब ये वर्क कर रहा था ये 2018 से मतलब ये कंटिन्यू चैनल में था, तो मतलब 18, 19 एंड 20 नियर अबाउट 2 to 2.5 ईयर्स के नियर अबाउट मतलब जो है इसने एक चैनल में जो है काम किया, ट्रेड किया, सॉरी।
तो अभी देखिए फाइनली इसने जो है चैनल का ब्रेकआउट दे दिया है। चैनल का ब्रेकआउट देने के बाद ये देखिए चैनल का जो था वो 740 टू 750 का जो है रेजिस्टेंस था। तो अभी इसके बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर अब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 800 टू 825 है। अभी अगर आप जो है मतलब पोजीशन करना चाहते हैं तो 825 के ऊपर इसको देखिए, जब ये 825 के ऊपर निकलकर सस्टेन होने लग जाता है तब आप इसमें जो है पोजीशन बना सकते हैं। और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 880 एंड जो है नेक्स्ट रहेगा 900 एंड 950। ये तीन टारगेट जो है लुपिन के रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा पिरामल। तो पिरामल भी जैसा देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए ये एक नीचे की तरफ ये चैनल ये बना रहा था, और ये देखिए ये जो मैंने येलो कलर है और ये व्हाइट कलर, ठीक है। तो अभी यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर जैसा आप देख सकते हैं ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहां पर जो है यहां पर फॉर्म हुआ है। जैसा कि अगर आप पैटर्न के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको यहां पर क्लियर कट दिख रहा होगा, यहां पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मतलब जो है ये फॉर्म हुआ है। तो ज्यादातर देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहां पर देखा जाता है, जब कोई भी स्टॉक जो है मतलब अप ट्रेंड में होता है तो वहां पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बहुत अच्छा काम करते हैं, और जहां भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है वहां पर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बहुत अच्छा काम करते हैं। सो यहां पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो बन रहा है वो बन रहा है 986 टू 1000 के नियर अबाउट। तो इसमें अगर आपने इंट्राडे ट्रेड करना है तो इसको 1000 के ऊपर जो है आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, और ये जो इसका एक हाई लगा हुआ है 1019, तो मतलब आप 1020 के ऊपर निकलकर जब ये 10 से 15 मिनट सस्टेन कर लेता है तो आप 1020 1021 पे जो है अपना जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट करके इसमें जो है अपना ट्रेड बना सकते हैं। इसमें आपका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट जो है आप 1 से 2% जो है रखिए। नेक्स्ट है हमारा सनफार्मा। सनफार्मा में भी ब्रेकआउट नियर है, तो इसमें जो है मैं आपको वीकली चार्ट में करके बता देता हूं। ये देखिए मैं सनफार्मा का मैंने ये चार्ट लगा लिया है, तो ये देखिए इसने फाइनली जो है ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट दिया है, ट्रेंड लाइन का देखिए ये जो ब्रेकआउट दिया है ये 430 के लेवल पर दिया था, और अभी जो है इसके पास जो है रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है वो 460 टू 465 के नियर अबाउट ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो 462 अभी अगर आपने इसमें इंट्राडे ट्रेड बनाना है तो आप जो है 475 के ऊपर जो है इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के लिए, और अगर आपने पोजिशनल भी बनाना है तो पोजिशन भी जो है आप 475 के ऊपर ले सकते हैं। बिकॉज देखिए आप यहां पर नीचे अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम ने जो है पिछले मतलब काफी ये हम इधर देखें तो हमको यहां पर पता लगेगा कि लास्ट 6 महीने से जो है ये जो लास्ट कैंडल आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, तो इसका जो वॉल्यूम है ये लास्ट 6 मंथ के वॉल्यूम से जो है ज्यादा है। तो मतलब इसका कहने का मतलब इसमें जो है मतलब FII और DIA द्वारा जो है मतलब यहां पर जो है एक्टिविटी हो रही है। सो आप 475 के ऊपर जो है इसमें जो है ट्रेड ले सकते हैं। एक मेरा जो फेवरेट स्टॉक है दैट इज टोरेंट फार्मा, मैं आपको उसके बारे में भी एनालिसिस करके बता देता हूं। बिकॉज टोरेंट फार्मा मैं जो है अक्सर मैं ऑफन ट्रेड करता रहता हूं, और इसमें जो अगर आप देखेंगे तो इसमें काफी अच्छी एक तेजी हुई है। यहां देखिए यहां पर एक इसका जो है रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस नियर अबाउट ये रेजिस्टेंस था और ये 1960 के नियर अबाउट मतलब 1960 पर इसका एक रेजिस्टेंस था, और ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद जो है मैंने इसमें जो है पोजिशनल ट्रेड भी मैंने ले रखा है जो मतलब अभी चल रहा है। और इसमें जो है मतलब इंट्राडे में भी हमने जो है कंटिन्यू 4 से 5 दिन जो है इसमें हमने ट्रेड किया, और कोई भी ऐसा दिन नहीं किया जिस दिन मतलब हमने इसमें से लॉस लिया हो, कंटिन्यू इसमें से हम प्रॉफिट बना रहे हैं। काफी अच्छा मतलब देखिए टोरेंट फार्मा एक ऐसा स्टॉक है कि जब भी चलता है तो आपके आगे पीछे के सारे लॉस पूरे कर देता है, प्लस मतलब एकदम से स्पाइक आपको मतलब बहुत ही बड़ा प्रॉफिट यहां पर देके जाता है। तो मतलब ये मेरे फेवरेट स्टॉक्स में से एक है टोरेंट फार्मा, जिसमें मैं मतलब अक्सर ट्रेड करता रहता हूं। तो टोरेंट फार्मा में देखिए अभी आपको क्या करना है, टोरेंट फार्मा अगर ये 2700 का लेवल क्रॉस करता है, देखिए फिलहाल तो अगर आप देखेंगे तो ये अभी लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। देखिए जहां आप शेयर मार्केट में देख रहे हैं सारे शेयर जो है ऑन द मूव ग्रे पड़े हैं, सारे शेयर मतलब जो है समझ लीजिए जिनका बंटाधार हो गया सभी शेयरों का, अच्छी अच्छी जो मतलब फंडामेंटल्स कंपनियां हैं वो सारे शेयर्स का जो है बंटाधार हो चुका है। बट यहां पर अगर टोरेंट फार्मा देखेंगे तो टोरेंट फार्मा देखिए अपने लाइफ टाइम हाई पर काम कर रहा है, मींस इसका जो है फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, कंपनी काफी स्ट्रांग है। सो मतलब इसको आप भी जो अपने फेवरेट स्टॉक के लिस्ट में ऐड करिए, जो है इसमें जो है इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह को समझिए, इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए और इसमें ट्रेड किया करिए, क्योंकि ये जब चलता है तो ये चलता नहीं है, ये मतलब समझ लीजिए प्लेन है, ये उड़ता है।
ठीक है ना। मतलब टोरेंट फार्मा जो है बहुत ही अच्छा स्टॉक है। हाँ, इसको अगर हम डे एनालिसिस करें तो डे एनालिसिस में मैं आपको करके बता देता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट जो है मतलब लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन में ये काफी अच्छा मतलब ये गैप अप ओपनिंग हुआ था और 2700 का लेवल इसने टेस्ट किया था। तो फाइनली मतलब जो है इसने लो लगाया जो है 2400 के नियर अबाउट, और वहां से भी देखिए जो है बाइंग आ गई है। आप ये देखिए यहां से भी बाइंग आ गई है, और फाइनली अगर आप इस कैंडल को हम ध्यान से देखें तो ये कैंडल हमको एक हैमर कैंडल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी अगर आपने इसमें ट्रेड करना है तो 2700 रुपीज के ऊपर इंट्राडे प्लस पोजिशनल, नहीं पोजिशन तो रहने दीजिए काफी ऊपर निकल चुका है, बट इंट्राडे के लिए आप 2700 रुपीज के ऊपर जो है ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, जैसा मैंने आपको ये फार्मा और फार्मा के सारे स्टॉक्स के बारे में बताया, बताइएगा वीडियो कैसे लगी। और जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे जो है आपको आने वाली बेल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। प्लस जो है अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर मैं कंटिन्यू चार्ट वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ जिससे आप मतलब आपकी जो है लर्निंग बढ़ेगी। और प्लस अगर कोई हमारे थ्रू जो है अलाइस ब्लू का जो है मैं पार्टनर हूँ, अगर आप अलाइस ब्लू में अगर आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें अकाउंट खोलने का आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको जो है मैं अपने सपोर्ट ग्रुप में ऐड करूंगा और आपको जो है कंटिन्यू कॉल जो है देता रहूंगा जैसे मैं अपने पेड क्लाइंट्स को देता हूँ। और प्लस जो है आपको मेरी ट्रेनिंग में जो है 10-20% का जो है एक डिस्काउंट मिलेगा। प्लस आपको दो जो है मतलब पर्सनल जो है मैं आपको जो है वेबिनार ट्रेनिंग में जो है आपको जो है ऐड करूंगा, जो आज के बाद से मतलब ये ऑफर जो है ये 10 फ्रॉम 10 अप्रैल से मतलब है, जिसने भी मतलब आज से ये ओपन अकाउंट चालू किया। प्लस हमारे कुछ ट्रेनिंग कोर्स वगैरह हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं angeltechanalysis@gmail.com या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9878137600 पर। चलिए ठीक है, और जो है ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।